नीलम सभा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑब्स एंड गायनी. एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एट मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर. टुडे आई वॉन्ट टू गेन योर अटेंशन फॉर द वेरी कॉमन क्लिनिकल कंडीशन जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, और आम जुबान में पेशेंट्स की लैंग्वेज में इसे बेबी शुगर भी कहा जाता है. खवातीन आती हैं हमारे पास और जब उनको शुगर डायग्नोज होती है तो उनको हम उनकी लैंग्वेज में बताने के लिए, समझाने के लिए कह देते हैं ये बेबी शुगर है. लाइक दिस इज़ द टाइप ऑफ शुगर जो कि प्रेगनेंसी में डायग्नोज होती है और आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी लाइकली ये सबसाइड कर जाती है और समटाइम्स ये परसिस्ट भी कर सकती है. फ्रेंड्स, जो हमारी है, एक तो हमारा जेनेटिक फैक्टर, हम एशियन पॉपुलेशन है तो एशियंस में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि हम नेचुरली हमारे अंदर एक ऐसी सलाहियत है कि हमारे अंदर डायबिटीज़ की ज़्यादा होने के चांसेस हैं. दूसरा हमारा लाइफस्टाइल और हमारा डाइटरी फैक्टर, जिसको कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जो हमारा रुझान है आजकल जंक फूड का, जो कि बतदरीज बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें वाइट जो सफ़ेद आटे का इस्तेमाल है, जैसे कि पिज़्ज़ा में होता है, बर्गर्स में होता है और बेकरी की आइटम्स में होता है, और उसका इंटेक बढ़ता जा रहा है डे बाय डे. लोग फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सीज, शुगरी आइटम्स, ये हमारी एक डाइट का, एक नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बन गया. तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमारा हो गया है, हम कहीं पैदल चल के जाते ही नहीं हैं, एक्सरसाइज करते ही नहीं हैं. चूँकि डायबिटीज़ बढ़ रही है कम्युनिटी में, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी बढ़ती जा रही है, और इसके बहुत ज़्यादा नुकसानदेह रिजल्ट सामने आते हैं हमल के दौरान. कि ना सिर्फ माँ के लिए ख़तरनाक है, कि माँ को तो हमल की वजह से प्रॉब्लम होंगे, उसको इन्फेक्शन होंगे बार बार, इसकी वजह से प्रीटर्म लेबर में चली जाएगी, वक्त से पहले उसकी लेबर शुरू हो जाएगी, तो वक्त से पहले बच्चा पैदा हो जाएगा. इसकी वजह से बहुत सारी माओं के बच्चे पेट में ही, उनकी दिस इज द मैसेज कि आप कम्युनिटी में अपनी फ्रेंड्स को, फैमिली सर्कल्स में, जिसके भी लाइक जो एट रिस्क लोग हैं, वो ज़रूर स्टार्ट द प्रेगनेंसी पर ही अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें.